हेलो एंड व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गिटार लवर्स। और इस वीडियो में हम करेंगे भरेन एना फ्रॉम द मूवी रावण। और ये जो गाना है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि क्लासिकल गाना है और बहुत सारे हैमर ऑन पुल अप्स भी है यहाँ पे और स्लाइड्स, हैमर ऑन पुल अप्स बहुत सारे हैं जैसे कि ये क्लासिकल गाना है। और इस गिटार में तो ज़्यादा अच्छे से प्ले नहीं हो पाएगा, पर मैं आपको पूरा डिटेल में ये गाना कैसे प्ले करना है मैं बता दूंगा ताकि आप अपने गिटार में अच्छे से प्ले कर पाओ और सीख पाओ। ओके, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए, और एक छोटा सा बात था, जो मेरे चैनल अभी देख रहे हैं और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो जो गाना है ये स्टार्ट होता है 7th फ्रेट, जैसे कि आपको पता होगा 3 5 7 9 12। ओके, तो मैं आपको डिटेल में पूरा दिखा दूंगा कैसे प्ले करना है गाने को और आप आसानी से प्ले कर पाओगे। ओके, जो गाना स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है 7th फ्रेट से। तो क्यों, ओके, तो क्यों ना बोले मुझसे मोहन क्यों। तो 7th फ्रेट का 2nd स्ट्रिंग, फिर 9th फ्रेट का 3rd स्ट्रिंग, फिर क्यों हो गया 7th फ्रेट का 2nd स्ट्रिंग, फिर 9th फ्रेट का 3rd स्ट्रिंग, फिर 7th फ्रेट का 2nd स्ट्रिंग, फिर 9th फ्रेट का 3rd स्ट्रिंग, फिर 8th फ्रेट का 3rd स्ट्रिंग, फिर 6th फ्रेट का 3rd स्ट्रिंग, मोहन, फिर 6th फ्रेट का 3rd स्ट्रिंग, फिर 8th फ्रेट का 3rd स्ट्रिंग, फिर 9th फ्रेट का 3rd स्ट्रिंग, फिर यहाँ पे एंड होता है 1st लाइन जो 7th फ्रेट का 3rd स्ट्रिंग पे। ओके, तो क्यों ना बोले मुझसे मोहन क्यों। ओके, उसके बाद जो लाइन होता है वो रूठे रूठे मोहनियों, सेम रहेगा, बस ये यहाँ पे खत्म हो रहा था, ये यहाँ पे खत्म होगा। ओके, देखते रहिए। इतना तक सेम है। ओके, ये दो बार प्ले होगा, जो 6th फ्रेट का 3rd स्ट्रिंग, फिर 8th फ्रेट, फिर 9th फ्रेट, दो बार, जैसे मैंने बोला था 2nd लाइन यहाँ पे 9th फ्रेट के 3rd स्ट्रिंग पे खत्म होगा। ओके, तो ये पूरा पार्ट कुछ ऐसा रहा। फिर कैसे मनाऊं, ये 8th फ्रेट का 4th स्ट्रिंग, कैसे 8, फिर 9, फिर 8, फिर 6th फ्रेट का 3rd स्ट्रिंग। ओके, ये दो बार 6th फ्रेट का 3rd स्ट्रिंग, ये दो बार। ओके, कैसे मनाऊं, हाय हाय, जो हाय जो फिलर है, हाय जो वाइब्रेटो है, तो वो 8th फ्रेट का जो 3rd स्ट्रिंग है और फिर 6th फ्रेट का जो 3rd स्ट्रिंग है, ये आप पुल ऑफ कर सकते हैं, पुल ऑफ करके फिर 8th फ्रेट का 4th स्ट्रिंग। ओके, तो फिर
फिर ये जो लाइन है रिपीट होगा, ये 8 9 8 6। ओके तो ये फिर से रिपीट होगा। ओके उसके बाद यहाँ पे खत्म हुआ। तुम बिन कटे ना रहना, वो जो लाइन है ओके यहाँ पे एंड हुआ। सिक्स फ्रेट के थर्ड स्ट्रिंग में, सिक्स फ्रेट का थर्ड स्ट्रिंग, फिर सिक्स फ्रेट का फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर नाइन्थ फ्रेट का सेकंड स्ट्रिंग, फिर सिक्स फ्रेट का जो फर्स्ट स्ट्रिंग है। ओके पिन कटे न रहना, ये जो फिफ्थ और सेवेंथ सेकंड स्ट्रिंग। ओके पिन कटे ना रहना, तुम बिन, फिर तुम बिन जो सिक्स फ्रेट का थर्ड स्ट्रिंग, फिर सिक्स फ्रेट का फर्स्ट स्ट्रिंग, तुम बिन आवे जो नाइन्थ फ्रेट का जो सेकंड स्ट्रिंग है, आवे फिर सिक्स फ्रेट का फर्स्ट स्ट्रिंग। ओके तुम पिन कटे न रहना, तुम पिन आवे ना 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 जो है वो सेवेंथ फ्रेट का सेकंड स्ट्रिंग में है। ओके ओके ये 11 फ्रेट का सेकंड स्ट्रिंग, फिर ये 9 फ्रेट का सेकंड स्ट्रिंग, फिर 12 फ्रेट का सेकंड स्ट्रिंग। ओके एक पल ओके तुम बिन कटे ना रहना, तुम बिन आवे ना एक ओके ये यहाँ पे एंड हुआ 11 फ्रेट के सेकंड स्ट्रिंग में। फिर ये पूरा स्लाइड जाएगा चे ना, जो ना है ये थर्ड फ्रेट का जो सेकंड स्ट्रिंग है। ओके तो पूरा पार्ट कुछ ऐसा रहा, बता देता हूँ। पिन कटे ना रहना, तुम बिन आवे ना एक पल चैना, तुम बिन यहाँ पे तुम बिन ओके थर्ड फ्रेट का सेकंड स्ट्रिंग, तुम बिन चले ओके सेवन फ्रेट का सेकंड स्ट्रिंग, तुम बिन चले ये स्लाइड होगा थर्ड से सेवन, तुम बिन चले है मोरा है नाइन्थ फ्रेट का सेकंड स्ट्रिंग, ये हैमर ऑन ओके सेवन से नाइन हैमर ऑन, फिर दो बार नाइन, फिर इलेवन का सेकंड स्ट्रिंग, फिर नाइन दो बार। ओके ये पूरा पार्ट कुछ ऐसा रहा।
ओके, 9 से 11 का सेकंड स्ट्रिंग स्लाइड, जी लगे, फिर 9 पे एंड होगा यहाँ पे, जो है उसके बाद जो है फिर जो 9 से 12 स्लाइड सेकंड स्ट्रिंग, 9 से 12 स्लाइड, फिर 11 9, फिर सब सेकंड स्ट्रिंग में 11 9, फिर 7। ओके, तो चले हम मोरा जी लगे, ओके, इतना तक हो गया। फिर आता है मेन लाइन, ओके, इसके बाद आता है मेन लाइन जो ओके, तो ये 7th फ्रेट का सेकंड स्ट्रिंग, फिर 9th फ्रेट का फर्स्ट स्ट्रिंग, ओके, अरे ना, ओके, फिर 7, फिर 7th फ्रेट का फर्स्ट स्ट्रिंग और 9th फ्रेट का फर्स्ट स्ट्रिंग, ओके, नाइन्थ फ्रेट का फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर 10th फ्रेट का फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर जो 8th फ्रेट का फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर यहाँ पे आ गए हम वापस 7th फ्रेट का सेकंड स्ट्रिंग पे, ओके, तो ये कुछ ऐसा रहा। फिर अरे अरे 7 फ्रेट का सेकंड स्ट्रिंग, फिर 8 फ्रेट का सेकंड स्ट्रिंग, फिर 10th फ्रेट का सेकंड स्ट्रिंग, ओके, 7 7 8 10, यहां पे एंड होगा 7th फ्रेट के फर्स्ट स्ट्रिंग पे, ओके, ओके, फिर हैमर ऑन एक छोटा सा हैमर ऑन और पुल ऑफ, ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग 7th फ्रेट का फर्स्ट स्ट्रिंग और 9th फ्रेट का फर्स्ट स्ट्रिंग, ओके, तो फिर 9th फ्रेट का फर्स्ट स्ट्रिंग हो गया, उसके बाद 10 8 7, ओके, तो ये कुछ ऐसा रहा। फिर जो सेकंड लात जो लाइन है, भरे ने ना सुने ना ही कहना, वो जो लाइन है, भरे ने ना सुने ना ही कहना, अरे, उसके बाद ये तक इतना तक सेम हो गया, उसके बाद भरे मो भरे मोरे ने ना भरे 7 8, फिर 7 का फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर 10 का सेकंड स्ट्रिंग, फिर 8 7 7 का सेकंड स्ट्रिंग, ओके, तो ये कुछ ऐसा रहा पूरा पार्ट। ओके, यहाँ पे एंड हो गया।
ये था मेन लाइन, और फिर जो कोरस स्टार्ट होता है, ये लाइन स्टार्ट होता है, फिर टैब्स रिपीट होते हैं, उसके बाद आता है स्टैंजा। जो स्टैंजा होता है ये यहाँ से शुरू होता है, ओके। नैनों के द्वारे ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि क्लासिकल है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ओके, तो मैं आपको आसान कर देता हूँ। तो जो स्टांजा का पार्ट है, नैनों के द्वारे आने के वादे, वो जो लाइन है, लिरिक्स थोड़ा थोड़ा याद नहीं है, पर वो जो लाइन है, नैनों नैनों, ओके, 4-5 सेकेंड स्ट्रिंग के द्वारे, ओके, ये पुल ऑफ है नैनों के, ओके, 4-5 फिर 7, द्वारे जो है वो 4-5 पुल ऑफ, ओके, 4-5 पुल ऑफ फिर 4, ये दो बार रिपीट होगा। ओके, उसके बाद वाला जो नैनों के द्वारे आने के वादे, उसके बाद जो लाइन है तो ये क्या, फिफ्थ फ्रेट से बैक स्लाइड होगा सेकंड तक, ओके, फिर 2 और 3 पे हैमर ऑन, ओके। तो ये कुछ पार्ट ऐसा रहा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ये नहीं तो आप और एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक हैमर ऑन ऐड कर सकते हैं, 4-5, ओके, 4-5 हैमर ऑन, फिर बैक स्लाइड करके 2-3 पे हैमर ऑन, फिर 2-3 और 5 का सेकंड स्ट्रिंग जो है वहाँ पे स्लाइड। ओके, 4 का जो थर्ड स्ट्रिंग है, फिर सेकंड का सेकंड स्ट्रिंग, ओके, द्वारे नैनों के द्वारे नाने के बारे कैसे वो कारे, ओके, यहाँ पे फिर जो लाइन है ये फिर से रिपीट होगा, स्टांजा है जो चौखट के, वो भी सेम है। और ये देखिए, ये दो बार रिपीट हो गया, उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, ये जो टैब्स हैं मैंने बताए थे, 6 जैसे क्या थर्ड स्ट्रिंग है, फिर 6 का फर्स्ट स्ट्रिंग, ये जो पार्ट है,
फिर ये कंटिन्यू होगा जो मेन पार्ट के साथ। ओके, तो उसके बाद फिर टैब्स रिपीट होते रहेंगे, स्टांजा का जो पार्ट है वो रिपीट होगा, फिर ये वाला जो मेन पार्ट है वो रिपीट होगा। तो ये था पूरा टैब गाइस, और ये जैसे कि टैब्स रिपीट होते रहेंगे, तो आप जब ये इतना ही टैब्स प्ले करेंगे तो पूरा गाना कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये था पूरा गाना का टैब्स गाइस, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल रहा। ये जो टैब्स हैं मैंने खुद से बनाए हैं, और ये जितना इजी हो सके मैं ट्राई किया हूँ जो गाने का जो टैब्स है करने के लिए। तो अगर कहाँ पे भी गलती हुआ होगा तो आप कमेंट्स में भी बता दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि कहाँ पे गलती हुआ है, और जो भी देख रहे हैं वो भी रेक्टिफाई कर पाए। आज के लिए इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब कर देना। बाय।